हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट 60 प्लस प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको जीके मिलेगा, जीएस मिलेगा, करेंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश, बिहार स्पेशली बिहार पुलिस के ही लिए बनाया गया है और ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान है। तो अनुच्छेद है आपका ऑप्शन में अनुच्छेद 22 है, 16 है, 20 है और 25 है। तो अनुच्छेद 16 में आपका सरकारी संविधान के 16 अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसर की समानता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि नीतीश कुमार बिहार के प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बने थे। तो नीतीश कुमार पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री कब बने थे, तो यह बने थे 2000 ईस्वी में। ठीक है, 2000 ईस्वी में पहली बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। किसको? मैथिली ठाकुर को बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि परमाणविक घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब परमाणविक घड़ी होता है उसमें एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व है, तो इनमें से कौन है। ऑप्शन है पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है और सीजियम है। तो यह सीजियम का प्रयोग करते हैं। किसका? सीजियम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जैविक खेती से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को जीआई टैग दिया जाएगा। तो ये करंट का प्रश्न है और बिहार में है। तो जैविक खेती से लीची की खेती करने वाले कितने किसानों को जीआई टैग दिया जाएगा। तो ये जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडेक्स जो होता है, जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो यह 200 किसानों को दिया जाएगा। ठीक है, और बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहाँ होता है, तो मुजफ्फरपुर में होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर, ठीक है, तो इसमें अप्रत्यक्ष कर में आ जाता है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क कैसा कर है, तो अप्रत्यक्ष कर है। और पूंजी अभिलाभ कर कैसा है, तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, और ऑप्शन है धन कर, ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। संपदा शुल्क, ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2, 3, 7 के अनुपात में है, तो सबसे बड़े कोण की मापों को बताना है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 7, 3, 10, 2, 12 से भाग दे दीजिए तो कितना 15 मरतबे कट जाएगा। तो आपसे बताना है कि सबसे बड़े, तो सबसे बड़ा कौन है, 7, 15, 7, 105 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो ऐसे तो आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, लेकिन आपको यहाँ क्षेत्र पूछ दिया है। तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र, मेघालय, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, आंध्र प्रदेश और विदर्भ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मेघालय के मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हैंड रिटन मैटर को क्या कहते हैं, यानी हाथ से लिखे हुए जो मैटर होते हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। हाथ से लिखे हुए मैटर को मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बिडनिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल नहीं है, जबकि उर्दू, सिंधी और संस्कृत है और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, और अनुसूचियों की संख्या संविधान में कितनी है, तो 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है कि देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में, यानी उनके इज्जत में सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। ऑप्शन है देश के वीर जवान, मेरी माटी मेरा देश, भारत के वीर सपूत, मेरा भारत महान। तो ये किया गया है मेरी माटी मेरा देश। ठीक है, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति की उम्र का 1/3 भाग यदि 18 वर्ष है, तो 27 वर्ष की उम्र किस भिन्न के बराबर होगी। तो किसी व्यक्ति की उम्र 1/3 18 वर्ष के बराबर, मतलब टोटल एक कितना साल का है, 54 साल का, और एक 27 वर्ष से अनुपात में आपको बनाना है, तो क्या हो जाएगा, तो 27 वर्ष की उम्र के भिन्न के बराबर हो जाएगा। तो 1:2 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि एक पहाड़ी के चोटी से नीचे देखने से पूर्व ऐसे 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों को अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बना के टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष वर्ल्ड एनजीओ डे किस
तारीख को मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी को प्रतिवर्ष एनजीओ दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी प्रभाव वाले नाटो का 31वां सदस्य कौन देश बन गया है। ठीक है, तो नाटो का जो 31वां सदस्य बना है वह फिनलैंड बना है, और नाटो का मुख्यालय कहाँ है तो ब्रुसेल्स में है, और नाटो का स्थापना कब हुआ था तो 1949 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य हाल ही में राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो राइट टू हेल्थ बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। कौन? राजस्थान बन गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कब लागू हुई थी। तो बिहार में जो पूर्ण शराबबंदी लागू हुई थी यह 5 अप्रैल 2016 ईस्वी को लागू हुई थी, 5 अप्रैल 2016 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम के वृक्ष को राज्य का वृक्ष अंगीकार किया है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम के वृक्ष को, तो यह किया है आंध्र प्रदेश। किसने? आंध्र प्रदेश ने राज वृक्ष अपना नीम का पेड़ कर लिया है। अगला प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है। तो विष्णुपद मंदिर या गया में स्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ है तो गया में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑस्कर अवार्ड 2023 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार या ब्रेंडन फ्रेजर को मिला है, मतलब सर्वश्रेष्ठ हीरो का पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होगा। तो यह हो जाता है ईटाई रोग हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा पारा कैड होगा तो मीनाई मेहता रोग हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो स्टील सिटी राउरकेला यह ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को दर्शाता है। तो निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र की बचत को कौन दर्शाता है, तो यह दर्शाता है अवतरित लाभ। क्या? अवतरित लाभ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि आता है, तो यह चीनी उद्योग है, डेयरी है, बैंकिंग है और वस्तुओं का परिवहन है। तो इसमें डेयरी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने कितनी बार 2022 में शपथ ली थी, मतलब 2022 में जो शपथ ली थी तो कितनी बार था उनका। तो बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार अभी तक 8वीं बार शपथ ले चुके हैं। अगला प्रश्न है कि अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इमिग्रेंट कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है। तो 2023 में दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बेस्ट फिल्म द कश्मीर फाइल को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किसी समबाहु अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण और बाह्य कोण का अनुपात कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1:3 होता है। अगला प्रश्न है कि दुनिया भर में विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस यह आपको 17 अप्रैल को मनाया जाता है। किस तारीख को? 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। तो जो गन पाउडर होता है किसका मिश्रण होता है, तो गन पाउडर चारकोल का, सल्फर का और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है, यानी सल्फर, सोडा और चारकोल का होता है। अगला प्रश्न है कि मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए आपका दवा का जो प्रयोग किया जाता है उस दवा का नाम है लेटनोप्रोस्ट। क्या है? लेटनोप्रोस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु के संपर्क में आने से रंगहीन हो जाता है। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फेंटिसाइड कहते हैं। होमोसाइड, सुसाइड, ठीक है, तो सुसाइड तो आत्महत्या होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राम हैज बिन इल फॉर द लास्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ इसका जो उत्तर हो जाएगा इसमें 4 लगेगा। क्या लगेगा? 4 का प्रयोग होगा। राम हैज बिन इल फॉर द लास्ट वीक। अगला प्रश्न है कि पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था।
तो जो पुलकेशिन द्वितीय था, यह ऑप्शन है तमिलनाडु के चोल, बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। तो जो पुलकेशिन द्वितीय था या वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। अगला प्रश्न है कि मोती की रासायनिक संरचना का क्या नाम है। तो जो मोती का जो रासायनिक संरचना है उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है। तो व्यवसाय पर कर की वसूली किसके द्वारा की जा सकती है, तो यह केवल राज्य सरकार के द्वारा ही की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन तत्वों के लौनों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं। तो जो आपको तत्व के लौनों द्वारा आतिशबाजी में जो रंग प्राप्त होता है, जैसे लाल रंग, हरा रंग, तो यह होता है जैसे लाल रंग एस्ट्रोंशियम के कारण, हरा रंग बेरियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर का इसका सी जो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका स्थापना 1600 में हुआ था, उसने बिहार, बंगाल व उड़ीसा में दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया, तो किया था शाह आलम द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि बिहार की किस महिला को मधुबनी पेंटिंग के क्षेत्र में बेहद कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। देखिए आपसे ये भी पूछा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मधुबनी पेंटिंग का संबंध किससे है, तो बिहार राज्य से है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं, रजनी मांझी, विभा लाल, मधुरमा पांडे, निधि शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विभा लाल को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया है। तो खाद्य सुरक्षा कानून जो पारित करने वाला राज्य है वो आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था। तो यह प्रयुक्त किया गया था प्लूटोनियम। ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा और नागासाकी पर दो बम गिराया गया था। ठीक है, एक 6 अगस्त को, एक 9 अगस्त को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो जो समोच्च रेखा होता है समान उच्चता को जोड़ता है। ठीक है, उसी को समोच्च रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि रामू हैड लॉस्ट डैश पेंस ही हैड। तो रामू हैड लॉस्ट द फ्यू पेंस ही हैड, इसमें द क्या प्रयोग होगा, द फ्यू का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है कि गैलेना का रासायनिक नाम क्या होता है। तो गैलेना का जो रासायनिक नाम होता है वो आपका लेड सल्फाइड होता है, जिसको PBS बोलते हैं, PBS। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, फुटबॉल टीम ने, तो यह जीता है कर्नाटक टीम ने जीता है। किसने, कर्नाटक ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया है। तो बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिया गया, तो यह मिर्चा चावल को दिया गया है। किसको, मिर्चा चावल को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती, यह कथन किसका है। यानी जहाँ कोई कानून नहीं होता है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, यह कथन जॉन लॉक का है। किसका, जॉन लॉक का है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे भविष्य का तत्व कहा जाता है। तो भविष्य का तत्व किसे कहा जाता है, तो यह हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का धातु, भविष्य का तत्व कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना क्या कहलाता है। तो सरकारी शेयरों का निजी कंपनियों को बेचना या विनिवेश कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अभियंता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अभियंता दिवस या 15 सितंबर को मनाया जाता है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के याद में 1968 ईस्वी से मनाया जा रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग या मैकियावेली के द्वारा किया गया था, इनकी पुस्तक द प्रिंस में राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि कलिंग युद्ध के विरुद्ध में अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो अशोक के कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध का जो हम लोग को जानकारी मिलता है मतलब 13वें शिलालेख से। अगला प्रश्न है कि गंधार कला किसके शासनकाल में फली फूली थी। तो जो गंधार कला है यह कुषाण वंश के शासनकाल में फली फूली थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि मार्क्सवाद का उद्देश्य क्या था। तो जो मार्क्सवाद था उसका उद्देश्य था राजविहीन समाज होना चाहिए। क्या था, राजविहीन समाज होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। तो लैगून झील, इसमें ऑप्शन है अष्टमुदी, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। तो चिल्का झील लैगून झील है, पेरियार भी है, पुलिकट भी है, तो ये अष्टमुदी झील नहीं है। और अष्टमुदी झील कहाँ है, तो ये केरल में है। चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में है। पेरियार झील केरल में है, पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। तो हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय बनी है या दीप्ति शर्मा बनी है। किसने, दीप्ति शर्मा ली है 100 विकेट। अगला प्रश्न है कि शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है। तो
तो जो शार्क मछली होता है उसमें पूंछ जो पाई जाती है ना वह विषमपाली पूंछ पाई जाती है, विषमपाली। चलिए अगला प्रश्न है कि एक मैथ का है, इसको बनाइएगा आप लोग। किस भिन्न के अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ने पर उसका मान तीन हो जाता है और एक घटाने पर छः, तो भिन्न का अंश क्या होगा? जो ऑप्शन नंबर इसका बना के आंसर आपको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अगर नहीं बनेगा तो मैं इसका आंसर डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।